खान साहब पान खाने के उद्देश्य से एक दुकान पर जाते हैं। तभी अचानक उनकी नजरें उस दुकान पर लगे बालकृष्ण की छवि पर पड़ती है। उन्होंने उस पान वाले से पूछा, भाई ये नन्हा सा बालक कौन है जिसका इतना कोमल शरीर, परंतु इसके पांव में एक जूते तक नहीं? ये जिस जमीन पर खड़ा है वो कितनी खुरदरी है। तभी पान वाले ने कहा, भाई खान साहब इसका नाम श्याम है, और अगर इसके इतने ही फिक्र है तो आप ही इसके लिए जूते बना कर लाइए ना। ये बात खान साहब के हृदय को छू गई। फिर क्या था, दूसरे ही दिन हाथों में नन्हे श्याम के चरण पादुका लिए वे उसी पान वाले से पूछते हैं, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। पान वाले ने देखा कि यह तो सचमुच ही चरण पादुका लेकर आ गया। उसने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा, देखो भाई यह नन्हा बालक यहाँ तो तुम्हें नहीं मिलेगा, शायद कहीं और मिल जाए, जाकर किसी दूसरे से पूछते क्यों नहीं। उस नन्हे श्याम की सूरत को अपने दिल में बसाए खान साहब चल पड़ते हैं और रास्ते में आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछते हैं, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघरा ले उसके पहनता मोर मुकुट है। नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांधते जनिया पग में बड़ी दिलकश है नजारे, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। श्री कृष्ण ने देखा कि यह भाव मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। तभी वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर खान जी के पास जाकर सारी बातों को सुनने के पश्चात उनसे कहते हैं, समझ में आया जिसका पता तुम पूछ रहा है, वो है बांकी बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहा था, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, कई जगह में धाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। उस भाई व्यक्ति ने
खान जी को वृंदावन जाने को कहा। फिर क्या था, मानो मुसाफिर को मंजिल मिल गई हो। बिना खाए पिए लगातार चलते हुए खान साहब वृंदावन में कृष्ण के मंदिर तक जा पहुंचते हैं। पागलों जैसी हालत, हाथों में जूते लिए, अन्य समुदाय के होने के कारण मंदिर के पुजारियों ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। नन्हे श्याम से मिलने की आस लिए खान साहब रो पड़े। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। खान साहब के मन में नन्हे श्याम से मिलने की आस थी। इसी विश्वास के साथ वे वही मंदिर की सीढ़ियों पर रात भर बैठे रहे। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। पीछे देखे वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए। झुकी नजर तो कदमों में ही बैठा नन्ना श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। उस नन्ही श्याम की जैसी छवि भारत खान जी ने अपने हृदय में बसाई थी, ठीक वैसी ही उन्होंने अपने सामने पाया। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पांव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पांव, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। खान
साहब ने श्याम के घायल पांवों को देख रो रो कर उनसे कहा, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई गांठा। परंतु उस मूर्म कुटबंसी वाले ने मुस्कुराते हुए खान जी से कहा, छवि जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए बजराम भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। इस प्रकार भक्त और भगवान का मिलन शायद ही देखने को मिले। जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तिन तैसी। कन्हैया ने कहा, हे भक्त, आपने मुझे बाल रूप में खाली पांव देखा था, उन पथरीली रास्तों पर, तभी तो मैं उसी अवस्था में आपसे मिलने के लिए गोकुल से वृंदावन पैदल दौड़ा, आपके हाथों से चरण पादुका पहन मुझे त्रिलोक की सारी खुशियां मिल गईं। श्याम की बातें सुनकर कवि वो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। तभी से खान जी श्याम नाम के भक्ति रस में ऐसे डूबे कि उन्हें रस खान के नाम से जाना गया। तुम मालिक है दुनिया का, ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा अब तेरे ही आज से ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा सोनू, श्याम प्रेम रस बरसा सोनू, खान बनारस खान भाव के भूखे है भगवान, भाव के भूखे है भगवान। कांटों पर चल करके रखते, कांटों पर चल करके रखते, अपने भगत का मान भाव के भूखे है भगवान, भाव के भूखे है भगवान, भाव के भूखे है।